Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे big surprise event coming for you. Okay, gender specific नहीं है, all sign reading है. तीनों options है, जो intuitively जो crystal आपको attract करी है उसी को choose कीजिए. Group number 1, orange carnelian. Okay. Group number 2, green aventurine. ग्रुप नंबर 3 सिट्रिन. इंट्यूटिवली क्रिस्टल को चूज़ कीजिए. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे. पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. थैंक यू यूनिवर्स. हेलो ग्रुप 1, वेलकम. चलिए देखते हैं बिग सरप्राइज एंड इवेंट फॉर यू. आपने ऑरेंज कर्नेलियन चूज़ किया है. थैंक यू. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं. चलिए देखते हैं क्या सरप्राइज बिग इवेंट आपकी लाइफ में आ रही है. मास्टर कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी. चलिए शफल करते हैं ओरेकल मैसेजेस. थैंक यू स्पिरिट गाइड. थैंक यू बिग सरप्राइजेस एंड इवेंट फॉर ग्रुप नंबर 1. थैंक यू. क्या मैसेजेस है स्प्रिट गाइड की ओर से फॉर ग्रुप नंबर 1. थैंक यू स्प्रिट गाइड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आप किसी पास्ट चीज़ों को भुलाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर मेडिटेशन के साथ इनर स्ट्रेंथ, बट ये जो कार्ड आया हुआ है ना इनर स्ट्रेंथ की, जैसे कोई टूट चुका है पूरी तरह से, अचानक से आप जा रही हो, वज्रपात हो जाए क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं है एंड वो अचानक से होती है. तो सडन कुछ घटनाएं, जैसे आपकी पूरी दुनिया हिला चुकी है एंड उसको उसकी मरम्मत ही चल रही है, ठीक कर. जैसे घर हमें रिपेयर करना पड़ता है, कोई चीज़ें टूट जाती है उसको रिपेयर करने के, जैसे आपकी लाइफ में वो चल रही है. मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेडिटेशन ही कर रही हो, बिकॉज मेडिटेशन एक हीलिंग की प्रोसेस है. इनर स्ट्रेंथ के साथ कार्ड आया हुआ है, तो मैं अगेन कह रही हूँ बिग सरप्राइज एंड इवेंट में अभी हाल फिलहाल आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है कि प्रोसेस में है उस मंजिल तक पहुँचने के लिए. बट ये जो एनर्जी आया हुआ है ना, जैसे पूरी तरह से एनर्जी टूट चुका है. जब आपके सर झुक जाए किसी जगह पर किसी सिचुएशन की वजह से, इसका मतलब दो चीज़ों के लिए, एक तो शर्मिंदगी महसूस हो कि मैंने कुछ गलती की है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मेरी सर झुक रही है, मैं आँख नहीं मिला पा रही हूँ. और दूसरे, जब हालात ऐसी हो जाए जो आपकी पूरी तरह से आपके विपरीत हो, लाख मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो मिल नहीं रहा है, तो दो कारण की वजह से सर झुक रहा है. तो या डेफिनेटली सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे माय डियर. अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन नहीं थी तो बहुत बढ़िया है, बट पाइल नंबर 1 मुझे नज़र आ रही है कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं, पास्ट की कुछ घटना की पश्चाताप है या फिर उस घटना की मरम्मती चल रही है, हीलिंग जिसको कहते हैं. कुछ व्यूअर्स डेफिनेटली डिफरेंट मेडिटेशन प्रोसेस का जैसे एक्सप्लोर करिए, जैसे कोई मंत्र मेडिटेशन करे, कोई नॉर्मल जो योगा मेडिटेशन होती है, जैसे विपश्यना मेडिटेशन, जैसे डिफरेंट मेडिटेशन फॉर्म को एक्सप्लोर करना या फिर स्टेजेस को पार करने, क्योंकि मेडिटेशन के भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. यहाँ पर कुछ व्यूअर्स जैसे धीरे धीरे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्रॉस कर जा रहे, बट आपके जीवन तो पीछे तो एक आग दिखाई दे रही है. तो यहाँ पर भी एक टावर थंडर स्टॉर्म की एनर्जी है, पीछे आ गए तो जल तो रहा है माय डियर. एंड दूसरी है प्रोसेस में है. चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. थैंक यू. क्या बिग सरप्राइज आ रही है. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1, बिग सरप्राइज एंड इवेंट. थैंक यू. दिस इज मास्टर कार्ड. थैंक यू स्प्रेड कार्ड. कंफर्मेशन देखते हैं ओरेकल मैसेजेस से. थैंक यू
Look number one. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू. चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर वन आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. फोर ऑफ कप्स एंड दिस इज़ एक्चुअली फोर्क इन द रोड नंबर 13 कार्ड. आप जिस भी रोड पे जा रही हो, जैसे आप ब्लॉकेज देख रही हो माय डियर, जिस भी रोड की तरफ जा रही हो एंड जिस फॉर्म में, जैसे फोर्क इन द रोड मतलब हर कदम में कांटे चुभ रही है. एंड पर्टिकुलरली प्रॉब्लम ग्रुप नंबर वन के लिए जो मुझे नज़र आ रही है, एक तो गलत निर्णय लेना एंड दूसरी है निर्णय लेने के बाद, जब ले चुकी है निर्णय, डिसीजन ले चुकी, उसके बाद भी पीछे मुड़कर दूसरे ऑप्शंस की ओर देखना, तो ये हो रही है आपके साथ माय डियर. एंड सम हाउ यहाँ पर फोर्क इन द रोड जहाँ पर बनी हुई है, मतलब हर स्टेप में, स्टेयर केस के हर स्टेप में आपको कांटे चुभ रही है अभी हाल फिलहाल. तो इस सिचुएशन में एंड फोर ऑफ कप्स, आप किसी हाल फिलहाल मतलब किसी बंद डोर की ओर ही देख रही हो, तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है माय डियर. वैसे ये सब कप्स यहाँ पर आ रही है एंड जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है नंबर 13, नंबर 4 एंड नंबर 4 वाले, 4-4 एनर्जी आया हुआ है. स्टेबिलिटी आएंगे बट शनाए शनाए. नंबर 4 वाले न्यूमरोलॉजी कहते हैं, 4 वाले काफ़ी स्ट्रगल करते हैं. मैं नहीं कहती हूँ कि आप 4 से ही बिलोंग करते हैं, बट न्यूमरोलॉजी 4-4 आया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल आपकी चल रही है. एंड इस सिचुएशन घटनाएं चल रही, काफ़ी बोर्डम वाली एनर्जी है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या फिर आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, महादशा फेवर में नहीं है. मुझे ना यहाँ पर ढैया नज़र आ रही, कुछ व्यूअर्स की सैटर्न की ढैया चल रही है. थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू बाय द बुक, बट सफ़र में आप हैं. रेस्ट अश्योर माय डियर, आप सफ़र में हैं एंड द वॉल एनर्जी, एंड बहुत जल्दी ये सफ़र कम्प्लीट होने जा रहे हैं. बस आप डिजर्ट में हैं, यस नो डाउट आप डिजर्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पूरे डिजर्ट में, जैसे सामने एक बड़ी एलिफेंट जा रही है, जैसे मामा एलिफेंट जा रही है एंड पीछे पीछे उसकी बेबी एलिफेंट जा रही है, राइट. तो somehow इतना याद रखिए कि आप अकेले इस जर्नी में नहीं हैं. आपको लग रहा है आप अकेले हैं, बट आप अकेले हैं नहीं. नंबर 11 एंड दिस इज़ अ वॉल कार्ड, दिस इज़ एक्चुअली नंबर वॉल कार्ड के साथ 11 नंबर आया हुआ है. तो ये रिलेशनशिप के मामले में भी मुझे नज़र आ रही है कि वो सफ़र ख़त्म होने जा रही है, वो इंतज़ार की सफ़र ख़त्म होने जा रही है. द वॉल कम्प्लीशन हियर, एक बड़ी साइकिल को आप कंप्लीट करने जा रहे हो, क्योंकि इन सब का जो हाथी जा रही है ना, एक ही मंजिल है, जाना है उस मंजिल के पास ही. एंड द वॉल कार्ड कन्फर्मेशन है. चले मास्टर कार्ड देखते हैं, बिग सरप्राइज एंड वेन. यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली परफेक्ट पार्टनर मैरिज के लिए एक एनर्जी है, बिकॉज वॉल कार्ड मैरिज को दिखाते हैं. कंप्लीशन मेजर इवेंट, वॉल्ड सिर्फ मेजर इवेंट में ही नहीं, मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज लॉन्ग टाइम से अगर आप करियर जॉब की तैयारी कर रहे थे, लॉन्ग टाइम से मेहनत चल रही थी, बिकॉज ऑफ डेजर्ट एनर्जी इज अ वेरी डिहाइड्रेटेड एनर्जी, राइट. तो मेहनत चल ही रहा था, आपको वो सफलता नहीं मिल रही थी उस जगह पर, आपके लिए मुझे विक्ट्री नज़र आ रही है. मास्टर कार्ड देखते हैं, द स्टार कार्ड, यस मुझे वो फील हो रही थी माय डियर. एंड हायर पावर, किस बात का चिंता है माय डियर. नंबर 4 अगेन, 444 हियर, किस बात का आपको चिंता है. द स्टार एंड द हायर पावर, तो इतना याद रखिए आपका नॉर्थ स्टार काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा है बात चार्ट में. यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 की आपकी बात चार्ट में नॉर्थ स्टार और गुरु जुपिटर काफ़ी मजबूती के साथ हैं, चाहे वो त्रिक भाव में ही क्यों ना, 6th 12th हाउस में ही क्यों ना हो. मुझे सटबल में बली या फिर डिग्री वाइज बली है या फिर दूसरे ऑस्पिशियस प्लैनेट के एस्पेक्ट हैं. हायर पावर आपकी कुल देव देवी, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो भी मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पर उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. द स्टार, स्टार कार्ड जब आया हुआ तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग चल रही है, बैक टू बैक यहाँ पर हीलिंग की मैसेज आ रही है. अल्टीमेट सक्सेस, अल्टीमेट विक्ट्री, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू. चलिए देखते कुछ फॉर्चून मैसेजेस, थैंक यू. देन मैं मास्टर कार्ड देखूंगी, व्हाट्स कमिंग, थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 के लिए थैंक यू. इवन आपकी परिवार के बीच अगर कुछ कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी थी वो भी हील होने जा रही है. कुछ व्यूअर्स यहाँ पर रेमेडीज अप्लाई करते हैं या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस की वजह से आप अप्लाई करते हैं. मुझे यहाँ पर बैक टू बैक स्टार एंड द वॉल कार्ड, डेफिनेटली यहाँ पर वो आहा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा. ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत जल्दी हो, प्रोसीड्योर में आप हैं, ये प्रोसेस में है. विद इन 3-4 मंथ्स में ये होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, विद इन 3-4 मंथ्स.
दिस इज एक्चुअली सक्सेस माय डियर, द स्टार कार्ड, थैंक यू। अब जिस वजह से सफर में है, मैं अगेन कह रही हूँ ग्रुप नंबर वन, यहाँ पर डिफरेंट व्यूअर्स की डिफरेंट जर्नी है, लाइफ जर्नी है। सफ़र में लोग डिफरेंट डिफरेंट, आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, आप अपने पति के लिए देख रहे हैं, आप अपने लिए देख रही हो, आप सिंगल हो, वॉट एवर, जो सफ़र में आप हैं, मंजिल जो है वो बहुत करीब है आपके लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो भी एक प्रोसेस मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ स्टार कार्ड हियर, थैंक यू। आपको कुछ रियलाइजेशन हो रही है, जैसे आप रियलाइज़ कर रहे हो हायर पावर को, अपनी पावर को, अपने आपके भीतर जो साइकिक गिफ्ट्स आपको ईश्वर ने दिया है उसको रियलाइज़ करना, थैंक यू, थैंक यू। आई डोंट नो व्हाई मैं बहुत जैसे मेरे माइंड में एक सूदिंग सा इफेक्ट हो रही है। आप बहुत टाइम तक किसी प्रॉब्लम में थे बट आप निकल रही हो, रिकवरी की एनर्जी आ रही, धीरे धीरे एनर्जी ऐसे रिकवरी की ओर जा रही है। आई डोंट नो सभी व्यूअर्स के साथ वो रेजोनेट नहीं करेंगे बट स्टिल मुझे वो वाइब्स है, मुझे खुशी महसूस हो रही है, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। चले देखते हैं, थैंक यू। इंट्यूशन, यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू लर्न ए न्यू स्किल, चेंज करियर और इन्वेस्ट मनी। मैं आपको पहले बोल रही थी यहाँ पर आप सफ़र में हैं, वो बहुत जल्दी आपकी मतलब करीब आप पहुँच चुके हो, बस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आप हैं। आप मान लीजिए आप डोर पे हैं, डोर खोलने का देर है एंड डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए वो डिफरेंट टाइम होगा, बट यहाँ पर साइकिक पावर यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। आपकी ऑकल साइंस के ऊपर झुका होना, जेम्स ज्वेलरी क्रिस्टल इन सारी चीज़ों पर आप शॉपिंग करेंगे, इन सारी चीज़ों से मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर इन सारी चीज़ों पर झुकाव होगी, आप खरीदेंगे ऐसे चीज़ें। एंड मेडिटेशन के डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन होते हैं ना आप जानेंगे, कुछ बहुत व्यूअर जैसे एंशियंट नॉलेज की एंशियंट नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। अचीवमेंट, यस एन्जॉय द लाइमलाइट, यू हैव अर्नड इट, ऑल्दो ऑन द फैमिली फ्रंट समवनस हेल्थ कुड कॉज सम सीक्रेट वरीज एंड स्लीपलेस नाइट, ओके रेस्ट अश्योर्ड। यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री एंड अचीवमेंट है बट थोड़ी सी एक माइनर एनर्जी आया हुआ है कि आपकी करीबी कोई पर्सन या फिर आपकी खुद की हेल्थ इश्यू रिगार्डिंग थोड़ी आपको चिंता हो सकती है, अदरवाइज इंट्यूशन एंड अचीवमेंट दो कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज, आई डोंट नो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही आपके लिए। मैं मास्टर कार्ड देखूँ बट स्टिल स्टार एंड वॉल कार्ड को देखकर मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। चलिए मास्टर कार्ड देखते हैं, पहले मैं एंजल से देखूँगी, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू सक्सेस, थैंक यू एंड सी दिस इज अचीवमेंट हियर। मैं आपके सामने कार्ड को शफल करें, एंड द स्टार एंड द वॉल कार्ड हियर, एंड वॉल कार्ड भी सक्सेस की बात करता है विद दिस अचीवमेंट। तो जो तैयारी में आप हैं, तैयारी में लगे रहिए, डटे रहिए, ये मंजिल तक आपको लेकर जाएंगे। स्पिरिट गाइड, दिस इज़ विक्ट्री, मैं आपको पहले ही बोल रही थी मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। द लॉरियल ट्री, देर इज़ नो क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ अचीवमेंट विदाउट फर्स्ट बींग विक्टोरियस ओवर इनर कन्फ्लिक्ट। याद रखिएगा, जो लोग हार जाते हैं ना वो अच्छे गाइड बनते हैं, एंड जब वो सक्सेसफुल होते हैं उनकी रूट्स काफ़ी डीप तक पहुँचती हैं, एंड वो कभी भी छोटी सी तूफान में भी वो गिरता नहीं है, अपरूटेड नहीं होता है। एंड जो लोग बहुत जल्दी ऊपर पहुँचते हैं ना वो बहुत जल्दी गिरता भी है। तो आपका एनर्जी स्टेबल है माय डियर, आप धीरे धीरे आपकी एनर्जी हाई हो रही है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में सफलता आएंगे। एंड आपकी बात चार्ट में नॉर्थ नोड जितना स्ट्रांग दिखाई दे रहे, गुरु जितना स्ट्रांग दिखाई दे रहे, बट मुझे शनिदेव यहाँ पर थोड़ी प्रबल दिखाई दे। शनिदेव का थोड़ी कमज़ोर होना और बहुत हाई होना दोनों अवस्था ही बहुत कमज़ोर कर देते हैं बात चार्ट को। जो नीच है या फिर शनिदेव बहुत डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है शत्रु राशि में, वो तो डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे आपको, मतलब देर सवेरे आपको देरी करवाएंगे ही, अनंत तक मिलेगा या नहीं उसका भरोसा नहीं है अगर गुरु बलवान नहीं है तो। दूसरा, अगर ये बहुत बलवान है सैटर्न तो डेफिनेटली ये करेंगे, मतलब ये देंगे सब कुछ आपको तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो शनिदेव का दोनों स्थिति में ही, शनिदेव जहाँ पर स्ट्रांग है और वीक है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होती है। बट आपके लिए सक्सेस एंड विक्ट्री दो कार्ड एक साथ आया हुआ है माय डियर, सर एक कोई रेयर नहीं है, आपके लिए मैसेज है कि सक्सेस आ रही है, बस आप डटे रहिए, ऑन द जर्नी आप रहिए, एंड आप अलोन नहीं है माय डियर, ओके थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर टू, वेलकम, चलिए देखते हैं बिग सरप्राइज एंड इवेंट फॉर यू, आपने ग्रीन एवेंचुरन चूज़ किया है।
हम हीलिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली पास्ट उन को हील करने के लिए, लेट गो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि अब एक सरप्राइज इवेंट आपके लिए आ रही है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। मास्टर कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी। चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस, कुछ ओरेकल मैसेजेस शफल करते हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए। थैंक यू, आपका ध्यान कहीं और है। मुझे अचानक से जब आप चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड एनर्जी। आप क्रिएटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं बट स्टिल कोई म्यूजिशियन हो, पेंटर, डांसर, सिंगर, वॉट एवर, बट मुझे थोड़ी जैसे इन दिनों आप चीज़ें रख कर भूल जाते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू। थैंक यू, और ध्यान कहीं और जगह पर है। थैंक यू, मतलब एक्चुअल में कहने का मतलब है जहाँ पर ध्यान होना चाहिए एक्चुअल में वहाँ नहीं रहता है। अगर वो पढ़ाई हो तो पढ़ाई पे आपका ध्यान नहीं है, किसी और तरफ है। अगर आपका वो रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, किसी और तरफ ध्यान है। मुझे थोड़ी, अगर मैं जानती हूँ जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, बट स्टिल मुझे मेजोरिटी में वो वाइब्स आ रही है कि थोड़ी ध्यान भटकने की एनर्जी। राहु केतु का प्रभाव है आपके ऊपर, लग्न में राहु केतु आस्पेक्ट डाले है, बैठा हुआ है, या फिर गोचर काल का प्रभाव चल रहा है, ध्यान भटकना। थैंक यू, एंड आप जानते भी हैं, एंड इंटरेस्टिंगली कभी कभी हम गलत करते हैं, उस पर हमें बोध नहीं होता है, बट आप जानते हैं मैं गलत कर रही हूँ या फिर मेरा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। थैंक यू स्प्रिट गाइड, थैंक यू ग्रुप नंबर टू, बिग सरप्राइज एंड इवेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्प्रिट गाइड, थैंक यू, लेट्स सी। थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू स्प्रिट गाइड, थैंक यू। छोड़े देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 9, ये एक्चुअली योगा मेडिटेशन की एक पोस्चर दिखाई दे रही है। मूलाधार चक्र से एनर्जी आया हुआ है। थैंक यू, एंड दिस इज होलिस्टिक हेल्थ। रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पर ना दो स्नेक दिखाई दे रही है मेटिंग प्रोसेस में। एक सैक्रल चक्र है, एक मूलाधार चक्र से आया हुआ है। दिस इज एक्चुअली सैक्रल चक्र, दिस इज मूलाधार चक्र। आई डोंट नो, मुझे स्नेक की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है आपके रीडिंग से। स्नेक एंड स्नेक को लेकर मैं बात करती हूँ। स्नेक एक्चुअल में वो अपने ओल्ड स्किन को छोड़ता है ना, तो कभी कभी स्नेक हीलिंग की भी, ये हम कहते हैं हीलिंग। एंड दूसरी है डिसेप्टिव एनर्जी, थोड़ी सेडेक्टिव। आई होप अगर आप एडल्ट है तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जितनी मार्केट में टीवी शो में एड वगैरह आती है स्नेक को लेकर, आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे थोड़ी उस और झुकाव नज़र आ रही है अभी करंट सिचुएशन में। कुछ व्यूवर्स, हॉलिस्टिक हेल्थ कार्ड आया हुआ है, आपका सेशन थेरापी चल रही है। हो सकता है लंबी टाइम से किसी उन्स को लेकर, कुछ पास्ट उन्स को लेकर, मेंटल एंग्जाइटी इशू को लेकर, आप प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, योगा हो, कुछ ना कुछ प्रोसेस आपकी चल रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ सर्जरी वगैरह हुआ है, कोई बड़ी हेल्थ इशू से आप रिकवर कर जा रही हो। फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड आया हुआ है, आप कुछ नया स्टार्ट करोगे माय डियर। मुझे यहाँ पर अचानक से आउट ऑफ बॉक्स जाने की एनर्जी आ रही है, आपने कभी किया नहीं है, बिकॉज दिस इज अ सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र बिल्कुल उसके ऊपर ही 16 प्रेक्षर चक्र है, वो एक्टिव होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब मूलाधार चक्र आया हुआ है, सैक्रल चक्र, डेफिनेटली 16 प्रेक्षर चक्र भी आपका एक्टिव है। तो वो कॉन्फिडेंस, वो ऊर्जा, 16 प्रेक्षर चक्र क्या है, सन का, वो ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति, वो जागने की एनर्जी है। बोध होना, रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ, मेरे लाइफ पर्पस क्या है, अर्थ मिशन क्या है, किस पार्टनर से मुझे शादी करना है। मैं अगेन कह रही थी ना कि एक बात बोल रही थी कि गलत हूँ वो मैं जानती हूँ, फिर भी धीरे धीरे कोई एडिक्शन आपकी थी वो भी आप रिलीज़ कर रहे हो माय डियर। मुझे वो भी वाइब्स आ रही है, आपकी किसी और झुकाव हो रही है अभी करंट। कुछ व्यूअर्स के लिए 50% के लिए अभी भी वो मौजूद है, उस एनर्जी में ही मौजूद है, उस नेगेटिविटी एनर्जी में ही मौजूद है। मैं अगेन कह रही हूँ दिस इज़ एक्चुअली हीलिंग कार्ड, बट स्टिल मुझे थोड़ी उस और झुकाव मुझे नज़र आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस देखती हूँ। बिग सरप्राइज एंड इवेंट। थैंक यू मस्ट बेट। चलिए थैंक यू, ओरेकल मैसेजेस से हम कंफर्मेशन देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए। थैंक यू, थैंक यू,
पहले आप किसी चीज़ को समझते नहीं थे, बट धीरे धीरे बड़ों की बात हो, किसी की बात हो, किसी की गाइडेंस के थ्रू से समझदारी हारी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। आप जैसे लोग आपके इस परिवर्तन को देखेंगे, आपके लिए छोटी है, सामने वाले के लिए बहुत बड़ी है। थैंक यू। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मैं 10-15% के लिए कह रही हूँ, यहाँ पर 10-15% उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हॉल स्टेक हेल्थ आया हुआ है। एंड ये जो मैसेज है, ये मूलतः चक्र एक्टिव होने का, जो इच्छाधारी नाग नागिन यहाँ पर मेटिंग प्रोसेस में है, एंड दिस इज़ एक्चुअली आर्कएंजल राफाइल का एनर्जी है। तो यहाँ पर ज़रूर आपकी एनर्जी का झुकाव हो रही हार्ट चक्र हीलिंग की ओर भी। हो सकता है आज आपको बहुत सारा लोगों की बातों पर वो असर नहीं करता है, घाव मिलते 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 वो जगह हार्ड हो चुकी है। 10-15% के लिए घाव मिलते मिलते वो जगह हार्ड बन चुकी है। अब उनकी कमेंट, उनकी बातें, उनकी फीडबैक ना देना आपको गुस्सा नहीं आता होगा, आपको बुरा भी नहीं लग रहा है। आपका कुंडलिन शक्ति जाग रही है, आपका झुकाव इस ओर हो रही है। वो वॉकर साइंस हो, वो टैरोट का रीडिंग हो, वो साइकिक गिफ्ट्स को लेकर, क्या मेरी साइकिक गिफ्ट्स है उसको एक्सप्लोर मुझे करना है, बेस्ट क्या है मेरी जो मैं कर सकती हूँ अपने लिए आर्थ मिशन खत्म होने से पहले, ऐसा सोच विचार है 10-15% के लिए। एंड यही आपके लिए बिग सरप्राइज है माय डियर, क्योंकि अब तक तो वो पता नहीं था, अब तक उसका बोध ही नहीं थी। अचानक से किसी गाइडेंस मिला होगा, कुछ छोटी सी एक चीज़ भी आपकी आर्थ मिशन की ओर आपको इशारा कर सकती है। वो वस्तु दूसरे पर्सन के लिए छोटी हो सकती है, बट आपके लिए ईश्वर का भेजा वो छोटी सी एक चीज़ भी आपके लिए वो उद्देश्य को दिखाने एक इशारा होती है, एक साइन होती है, ऐसा कुछ मिला है आपको। चलिए देखते हैं। थैंक यू। वो ड्रीम के थ्रू से हो, वो कोई चीज़ें हो, किसी की गाइडेंस हो। थैंक यू। बिग सरप्राइज एंड इवेंट। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स भटक रहे हैं माय डियर। थैंक यू। उन्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, करना क्या है। डेफिनेटली कुछ पास्ट उन्स की हीलिंग तो चल रही है माय डियर। थैंक यू। थैंक यू। एंड दिस इज़ अ मास्टर कार्ड। थैंक यू। थैंक यू। चलिए देखते हैं उड़ाकर मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर टू। थैंक यू। थैंक यू। Big surprise and event. Thank you. मुझे ना एक बहुत टाइम से खड़ा हुआ एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ मतलब 10-15% की, मैं उस 10-15% जिनकी अर्थ मिशन अभी पता चला है कुछ साल पहले, कुछ मंथ पहले, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बट वो खड़ा हुआ एनर्जी है, बट अभी उनको जैसे रियलाइजेशन हुआ है, वो बोध हुआ है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। नो प्लेस लाइक होम, ये आपका, मैं आपको पहले बोल रही थी, हारा हुआ एनर्जी। एंड ये सोच विचार कब होती कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, ये एक्चुअल में लिटरली घर हो सकता है कि आप रेंट हाउस में हैं, आपको घर बनाना है, वो तो ठीक है, बट मेजोरिटी के लिए जो है वो मुझे यहाँ पर जो महसूस हो रही है, वो सिर्फ घर नहीं है चार दीवार से बनी हुई, ये एक्चुअल में आपका कंफर्टेबल जोन है, जो आप चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है आपको। नो प्लेस लाइक होम, जैसे मेरे पास घर नहीं है, जो एक्चुअल में मेरे डिज़ायर है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। एंड दिस इज़ एट ऑफ कप्स। नो प्लेस लाइक होम के बाद एट ऑफ कप्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे, एक घर छोड़कर दूसरे घर पे भी मुझे वो वाइब्स आ रही है, दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी स्टेट में, क्योंकि शायद बर्थ प्लेस में, बर्थ सिटी, बर्थ टाउन पे आपका काम बना नहीं है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पर छोटी 10-15% के लिए, जैसे मैरिज को लेकर कुछ दिक्कत आपकी हुई है, कंजुगल लाइफ को लेकर, कुछ व्यूअर्स के लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपका जैसे कुछ व्यूअर्स कैरियर भी चेंज करेंगे, अचानक से उन्हें वो बोध हो रही कि नहीं, मैं बेकार में, मेरी टाइम वेस्ट हो रही, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही, मैं इस कैरियर के लिए बन ही नहीं हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। पॉइज्ड, समय रुक सा गया है,
थम्सा गए, इससे पॉइस्ड मतलब इस लाइक ए सस्पेंडेड एनर्जी एंड दिस इज एस ऑफ वॉन्ट्स। आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स रुका हुआ है, जैसे मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, नई शुरुआत आते आते रुक चुकी है। हम बचपन में एक खेल खेलते ना कि स्टैचू बोलकर सामने वाले दोस्त रुक जाते थे, पूरा जैसे समय सा थम्सा गया है आपके लिए। बट चिंता मत कीजिए, स्टैचू बोलकर वो जीवन भर के लिए वो रुकता नहीं था, वो कुछ टाइम पहले उसको रिलीज़ कर दिया जाता था। तो इम्तिहान की घड़ी है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग्स बहुत जल्दी, बिकॉज एट ऑफ कप्स एक एस ऑफ कप्स के उद्देश्य में ही ये जर्नी है, ये सफ़र है। तो डेफिनेटली उसके बाद ये कार्ड आया हुआ है एस ऑफ वॉन्ट्स, डेफिनेटली आपको वो मिलने जा रही है। अभी सिचुएशन हो सकता है कि आप रीडिंग को देख रहे हो सस्पेंडेड है, पॉज्ड है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। मास्टर कार्ड, लॉयल हार्ट, वाओ, दिस इज एक्चुअली लवर्स कार्ड एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ग्रोथ का एनर्जी, इट्स लाइक ए प्रमोशन, एक आगे बढ़ने की एनर्जी है। दिस इज एक्चुअली लवर्स एंड कुछ व्यूअर्स के लिए कलीग्स, दोस्त प्रपोज करने की एनर्जी है। आपकी कम्युनिटी से, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक ए कम्युनिटी, टीम वर्क। तो आप ही के आसपास की एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। आप कुछ दोनों पति पत्नी मिलकर आप कुछ कर सकते हैं, आपकी पार्टनर आपकी दोस्त मिलकर कुछ बिजनेस वगैरह आप स्टार्ट कर सकती हैं। बट यहाँ पर मुझे जैसे लग रहा है कम्युनिटी से कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर, बहुत जल्दी। इट कुड बी फ्रेंड, कलीग और मैटरिमोनियल साइट और डेटिंग एप्स। कम्युनिटी, ये पर्सन कम्युनिटी से बिलोंग करता है माय डियर, एंड दिस इज अ लवर्स कार्ड। थैंक यू मास्टर स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मैं यहाँ पर मास्टर कार्ड देखूँगी। थैंक यू मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे 1144 नंबर दिखाई दी माय डियर, तो ये आपके लिए एंजल नंबर हो सकती है 1144। थैंक यू मास्टर स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंजल से देखते हैं। थैंक यू। पीसफुल रेजोल्यूशन, मैं यहाँ पर एक देख रही थी क्योंकि वो वाइब्स आर नो प्लेस लाइक हूम एंड एट ऑफ कप्स एनर्जी, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने जा रही माय डियर। कुछ व्यूअर्स की कुछ लीगल इशू का चक्कर चल रहा था माय डियर, तो वो जगह पर भी आपके लिए सक्सेस दिखाई दे रही है। एंड याद रखिए, पॉइज जो एनर्जी होते ना, वो कुछ टाइम के लिए बस रेडी है, रेडी टू मूव, इट्स लाइक ए रेडी टू मूव। तो बहुत जल्दी ये सब मॉन्स आने जा रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू मास्टर स्पिरिट गाइड, पीसफुल रेजोल्यूशन दिखाई दे रही है। कलह का वातावरण है तो वो भी रिजॉल्व होने जा रही है, परिवार के बीच, पति पत्नी हो या फिर परिवार के दूसरे सदस्य के साथ, आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, मुझे एनर्जी में एक रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रही है। चले देखते हैं ट्री मैजिक। सिडक्शन मुझे नज़र आ रही थी, एक कार्ड मुझे, आई डोंट नो, मैं बोल रही थी ना कि भटकने की एनर्जी है। योर ओन पैशन मे कॉज यू सफरिंग, कीप अलर्ट टू व्हाट इज नॉट येट इन स्लाइट, डेंजर कैन बी अवॉइडेड, डेफिनेटली। सिडक्शन, टेम्पटेशन कैन, स्नेक एनर्जी, सी मैं आपको बोल रही थी मुझे आपके लिए स्नेक दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। तो कुछ आसपास के लोग, कुछ जजमेंटल, कुछ मतलबी आसपास लोग है, टेम्पटेशन है आसपास, एंड बिग सरप्राइज में ये भी नज़र आ रही है आपके लिए। तो कोशिश कीजिएगा एक हेल्दी बाउंड्री लगाने के लिए। ओके, थैंक यू मास्टर स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वॉलनट ट्री, रेसिलियंस, यस, रिच सीक्रेट दैट आर ट्रेजर्स विल कम एज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अनफेलिंग, ऑलवेज फर्टाइल एंड परसिवरिंग माय डियर। आपकी परसिवरेंस रिवॉर्डेड होने जा रही है, रेस्ट अश्योर्ड। थोड़ी इम्तिहान की घड़ी है, कुछ व्यूअर्स के लिए टेम्पटेशन, सिडक्शन की एनर्जी है। सिडक्शन की एनर्जी देखते हैं क्योंकि स्नेक, मैं अगेन कह रही हूँ, स्नेक बहुत टेम्पटेशन क्रिएट करते हैं, खासकर एक्सटर्नल बॉडी फिगर को लेकर, मनी को लेकर। तो मेक श्योर किसी जगह पर कमिटमेंट देने से पहले 10 बार मिलिए, किसी जगह पर मनी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है हड़बड़ी करने की। मैं यहाँ पर देखूँगी फॉर्चून कार्ड से आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। बिग सरप्राइज एंड इवेंट, थैंक यू। थैंक यू वन टाइम मोर, थैंक यू। देखते हैं क्या फॉर्चून कार्ड है ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। सोसाइटी, से यस टू ऑल द वंडरफुल इनविटेशन कमिंग योर वे, एक्सेलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल्स विल बी द रीजन। वो दिखाई दे रही थी सिंगल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप नेटवर्क से जुड़ी कोई काम करते हैं, वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, बीटेक एमटेक आपने किया है, फ्रीलांसर की कुछ काम हो, कुछ ना कुछ नेटवर्क से जुड़ी, ऑनलाइन बिजनेस आपकी आपने खोल कर रखी है, कोई कंपनी से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए, कोई मतलब जॉब रिगार्डिंग मुझे नज़र आ रही है। बट आपके लिए ग्रुप दिखाई दे रही है, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन कमिंग योर वे। मुझे ग्रुप में ज्वाइन करने की एनर्जी आ रही है, इन्विटेशन, पार्टी, फंक्शन अटेंड करना,
थैंक यू मास्टर, एक अप्रिशिएशन नज़र आ रही है आपके लिए. ओप्स, दिस इज अपॉर्चुनिटीज. ए स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ. एक्साइटिंग टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्शन प्लस अ स्पेशल फैमिली रियूनियन लुक्स लाइकली. फैमिली रीयूनियन, फैमिली मेम्बर्स का रीयूनियन. कोई बाहर है, मदर टाउन, मदर सिटी, मदर लैंड लौट कर आ रही है, बट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है माई डियर. किसी के थ्रू से, थ्री ऑफ पेंटेकल्स, कोई मदद आएंगे किसी के थ्रू से. बड़े पद पर है ऐसे कोई व्यक्ति की मदद आपको मिल जाए. आपको ज़रूरत है ऐसे टाइम पर आपको मदद मिलेंगे जब आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को. और मान लीजिए शादी रिगार्डिंग कोई थर्ड पार्टी, कोई रिश्ता लेकर आएंगे, मतलब रिलेटिव्स हो, आपके माता पिता के कोई रिलेटिव्स हो, ऐसे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू. हेलो ग्रुप नंबर थ्री, वेलकम. चलिए देखते हैं बिग सरप्राइज एंड इवेंट फॉर यू. आपने चूज़ किया है सिट्रिन. 16 प्रेक्षा चक्र के साथ जुड़ी हुई, गुरु के साथ जुड़ा हुआ है एनर्जी. हम अबंडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. 16 प्रेक्षा चक्र ऊर्जा होती है कुंडलिनी शक्ति की. कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, आप रिकवर करें. मुझे अपन एनर्जी आप रिकवर करें माय डियर. पास्ट के सिचुएशन के साथ आपकी धीरे धीरे रिकवरी चल रही है. ग्रुप वन की भी एक रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है, बट आपके लिए मुझे और भी स्ट्रांग नज़र आ रही है. मास्टर कार्ड है, मैं यहाँ पर एंड में देखूंगी. पहले कुछ ओरेकल मैसेजेस सफल करते हैं. चलिए, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं. चलिए ग्रुप नंबर थ्री, थैंक यू. परफेक्शनिस्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप किसी काम को ना बहुत बार करते हो ताकि वो परफेक्ट हो. आप में हर चीज़ को परफेक्ट करने की एक टेंडेंसी है. याद रखिए, परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी ठीक है, बट ये जो बहुत एक्सेस हो जाते हैं ना, वो एक नेगेटिव ट्रेड्स बन जाते हैं. क्योंकि आपको किसी चीज़ में भी बहुत सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो ऑर्डिनरी चीज़ से. थैंक यू मस्ट बी टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड बॉटम ऑफ द डेक प्ले, बट मुझे यहाँ पर दो डॉल्फिन, जैसे कपल डॉल्फिन है, मतलब खेल रहा है अपने मौज मस्ती में, जैसे लीन है. यहाँ पर आप कुछ इनविटेशन वगैरह अटेंड करेंगे, कुछ ओल्ड फ्रेंड कॉन्टैक्ट में आएंगे. वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं. ऐसा पर्सन जिस पर्सन के साथ मिलने के बाद आपको, आपकी एनर्जी सीरियस नहीं रहेंगे माय डियर, आप थोड़े लाइटेन फील करते हो. ऐसे शख्स के साथ आप मिलेंगे. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. ऐसे मोमेंट को आप इंजॉय करने जा रही हो. थैंक यू. वाओ. से ग्रुप नंबर थ्री, लव कार्ड है आपके लिए. बिग सरप्राइज एंड इवेंट, लव एनर्जी. नंबर 18, रिलेशनशिप. अगर आप मैरिड भी हैं, सिंगल, आप रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली कंप्लीट है माय डियर. एक कंप्लीशन है, मंजिल तक पहुंचने की एनर्जी है. एंड सिंगल के लिए डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. एंड विजुअलाइजेशन, ज़रूरत जो है वो है विजुअलाइज करना. आपकी जो मतलब पर्टिकुलरली रिलेशनशिप, मुझे आपके लिए स्ट्रॉन्गली रिलेशनशिप ही नज़र आ रही है, क्योंकि लव के बाद ही विजुअलाइजेशन. जैसे आप बहुत कुछ ड्रीम कर रहे हो माय डियर, मुझे बहुत ड्रीम करने की एनर्जी आ रही है. एंड वो सारे विश आपके फुलफिल होने जा रहे हैं. एंड पर्टिकुलरली मुझे रिलेशनशिप ग्रुप नंबर थ्री के लिए नज़र आ रही है, मेजोरिटी के लिए. एंड याद रखिए, आपकी इस एनर्जी को देखकर मुझे नज़र आ रही है, आप जितना पॉजिटिव थॉट रखेंगे ना, क्योंकि विजुअलाइजेशन है, अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न को, आपकी एनर्जी हावी है नेगेटिव थॉट पैटर्न में, वही आप अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स से. तो थॉट पैटर्न को पॉजिटिव बनाइए, लिखिए पॉजिटिव चीज़ें, सुनिए पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव स्टेटमेंट. जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपको डिमोटिवेट करता है, आपकी किसी खामियां को उंगली उठाकर दिखाते हैं, ऐसे लोग संगत से दूर रहिए. बहुत ज़रूरी है आपके लिए. मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक बाउंड्री होना ज़रूरी है. बहुत जल्दी नज़र लग जाती है आपको. मैं छोटी सी यहाँ पर एक बात बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, बहुत जल्दी नज़र, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं करते हैं. नज़र लग जाती है, मतलब मैं कोई इवन स्प्रिट गाइड की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर. नज़र लगने का मतलब कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो दिखाते हैं आपकी फ्रेंड, बट वो है नहीं माय डियर. तो अपनी गोल्ड सीक्रेट को बहुत ज़्यादा लोग शेयर ना करें,
जब होगा तब लोग देखेंगे, वो ही देखेंगे। मुझे यहाँ पर ना एक आई की, एक सीक्रेट आई की नज़र आ रही है। हाँ डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए सीक्रेट लवर सामने आएंगे। बहुत टाइम से ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रही थी, बहुत दूर से देख रही थी, मतलब छोटे मोटे जेस्चर दिखा रहा था, वो रिवेल होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए विजुअलाइजेशन, आप जैसे एस्ट्रल ट्रैवल करे, कोई जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रही किसी व्यूअर्स की, मेजोरिटी के लिए नहीं है, 10-15% के लिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कि जैसे मेरे सोने के बाद मेरी सोल जैसे 5D लेवल पे है, वो मैसेजेस कलेक्ट कर सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए 10-15%, मैं अगेन कह रही हूँ, विजुअलाइजेशन कार्ड को देखकर मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस। थैंक यू। अपकमिंग इवेंट सरप्राइजेस। थैंक यू। रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है। आपकी पत्नी पति में अगर कुछ पति पत्नी में कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, वो भी मुझे थोड़ी रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। थैंक यू। एंड सिंगल के लिए डेफिनेटली नो डाउट इट्स वेरी गुड टाइम। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड। थैंक यू अपकमिंग इवेंट। थैंक यू। आप सपने बहुत देख रहे हो माय डियर, मुझे वो भी वाइब्स आ रही हैं। थैंक यू। जितना सेक्सुअल यूनियन है उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपके लिए सैक्रेड यूनियन दिखाई दे रही है। रियली सॉरी टू से बट मुझे वो वाइब्स आ रही है। इट्स लाइक ए सैक्रेड यूनियन, डिवाइन यूनियन, तांत्रिक यूनियन। थैंक यू मस्ट पेट का। थैंक यू। मिस्टिकल यूनियन। थैंक यू। थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू। शफल करते हैं। थैंक यू। बिग सरप्राइजेस एंड इवेंट ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड। थैंक यू। आप बहुत टाइम तक किसी रॉन्ग डोर पर नॉक कर रहे थे। कहने का मतलब है आप ऐसी किसी करियर को लेकर भटक रहे थे जो आपको लग बहुत टाइम तक आपने एनर्जी वेस्ट की किसी पर्सन को लेकर। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है। एंड आप निकल आ रहे हो, मैं अगेन कह रही हूँ, आप रिकवरी की टाइम है। एंड वो आपके लिए ग्रुप 1 से ज़्यादा मुझे आपकी पाइल में वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, रिकवरी। थैंक यू। थैंक यू स्प्रेड का। थैंक यू। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं अपकमिंग इवेंट में बिटवीन वर्ल्ड में। क्या बोल रही थी आपको, आप डार्कनेस से लाइट में आ रही हो। आप बहुत दुविधा में थे किसी चीज़ को लेकर। कभी कभी होते ना हम क्रॉस रोड पे होते कि हमें इस दाहिने तरफ जाना है या फिर मतलब लेफ्ट में जाना है, तो समहाउ आप अचानक से कोई गाइडेंस के थ्रू से, किसी चीज़ के थ्रू से, या फिर मान लीजिए स्पिरिट गाइड के ब्लेसिंग्स के थ्रू से आपको वो गाइडेंस मिला है प्रॉपर कि यस मुझे इसे और जाना है। आप जैसे निकल कर आ रही हो, आप शैडो से निकल कर आ रही हो माय डियर, जैसे एक एनलाइटमेंट हो रही है। एंड वो प्रोसीड्योर आप देखिए, धीरे धीरे, पूरा हुआ नहीं है, पूरा हुआ नहीं है। एंड दिस इज 9 of Wands। यस 10 आ रही है। मैं यही इसीलिए बोल रही थी कि पूरा हुआ नहीं है, ये कंप्लीशन होने ही वाला है। ये जो डार्क फेज है लाइफ का, डार्क फेज ऑफ द सोल और योर जर्नी, ये कंप्लीट होने को है। एंड आपकी लाइफ में वो कलर्स आ रही है। बहुत टाइम तक आप कलर्स लेस थे, आप भूल चुके थे कि मेरी एक्चुअल कलर तो रेड है, पैशन है, बट आप भूल चुके थे बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट में कोई रेड और दूसरी कोई कलर का वजूद नहीं होते, सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक की होती है। तो आप भूल चुके थे अपने साइकिक गिफ्ट्स को, अपनी ऑरा को। एंड कहीं ना कहीं वो जर्नी में आप हैं, आप जैसे पट्टी बांधी हुई है घाव में, एंड बस आप कंप्लीट करने ही वाले हो जर्नी को। मुझे ना यहाँ पर जैसे क्रॉस करता हुआ जा रही है कोई पर्सन, एक ब्रिज क्रॉस करता हुआ एक मोड़ से दूसरी ओर, एक बीच को छोड़कर दूसरी सी बीच में जा रही है, दूसरी एरिया में जा रही है, दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी, और स्पिरिचुअल जर्नी। एक व्यक्ति 2 साल पहले जो थे, मतलब मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 की बात कर रही हूँ, वो 2 साल बाद पूरा चेंज, वो व्यक्ति वही है बट बहुत कुछ चेंज होगा।
थैंक यू मस्प्रेट का, थैंक यू। चले देखते हैं, आप मैदान पे टिके हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रगल भी आप कर रहे हो माय डियर, एंड दिस इज़ नॉट फॉर यू। मैं आपको पहले ये कार्ड को, ये तो अभी आया हुआ है, मैं बोल रही थी ऐसा किसी चीज़ को लेकर आप मेहनत कर रहे थे और अभी भी कर रही हो, लोग आपको कह रहे इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू, ये पर्सन तुम्हारे लिए नहीं है, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम खोटा सिक्के के जैसे हो, कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ में। लोग पूछते हैं ना व्हाट्सअप गाइस, क्या कर रहे हो, क्या करोगे, फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा, तो सुन सुन कर आप थक चुके हो कि फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा। एंड बट आप डटे हो, जैसे यहाँ पर आप मैदान में खड़े हैं, छोड़ने के लिए आप रेडी नहीं हैं। थैंक यू मस्प्रेट गाइस, थैंक यू। आप बहुत टाइम तक भटक रहे थे माय डियर, आपको लाइफ पर्पस समझ आ चुके हैं अब, और आपको उस ट्रैक से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको समझ आ गई कि जॉब ए पर्सन हो, मुझे किस टाइप की पर्सन चाहिए, आपको समझ आ चुकी है। लोग आप जितना भी कहें बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा आपके ऊपर, बट हाँ कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करता है। थैंक यू मस्पेट का, मैं मास्टर कार्ड देखूंगी, नाइट ऑफ कप्स एंड हायर पावर। अब मैं बोल रही थी कि आपकी जर्नी, आप सफ़र में ज़रूर हैं, एंड बहुत सारे लोग आपको तंग भी करते हैं, मैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रही तंग करते, बट नाइट ऑफ कप्स एंड हायर पावर, आपकी इतनी मेहनत व्यर्थ कैसे जा सकते हैं, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते माय डियर। मेहनत आपकी परसिवरेंस यहाँ पर रिवॉर्डेड, एंड आप देखिएगा विद इन वन ईयर, ग्रुप नंबर थ्री, विद इन वन ईयर आप बहुत टाइम तक कोई काम कर रहे हो, अचानक से जैसे कोई चाबी मिल जाए उस लॉक को खोलने के लिए। दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स, दिस इज ए ब्लेसिंग, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, बिकॉज हायर पावर के साथ नाइट ऑफ कप्स, अचानक से लॉक है चाबी, बहुत चाबी ट्राई कर रहे हो आप चाबी को लेकर, बट खोल नहीं पा रही थी, अचानक से कोई मदद आएंगे एंड वो चाबी खुल जाएंगे, एंड चाबी से वो लॉक खुल जाएंगे, वो ब्लॉकेज हट जाएंगे। आप देखते होंगे ना कुछ 5-6 साल या फिर 10 साल से भी नीचे कोई बच्चे कितना टैलेंटेड होते हैं, जैसे जन्म प्रसव होते ही जैसे एक रेयर गिफ्ट से, मतलब 4 साल के बच्चे इतना अच्छे डांस करते हैं, एक 6 साल की बच्चे इतना अच्छा गा रही है, कैसे, वो रेयर नहीं है माय डियर, पूर्व जन्म में देकर आया है उसने कर्म को, मृत्यु पर्यंत उसने उस कर्म के साथ जुड़ा हुआ था। दैट्स वाई प्रसव होते ही वो बहुत ईजिली, जैसे कभी कभी पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भी लोगों को याद रहती है, प्रसव होते ही उसने वो सीख गई है, एंड बहुत टाइम नहीं लगा उसको, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। एंड समहाउ आप जो डटे हैं मैदान पे, टिके हैं आप मैदान पे, वो रिवॉर्डेड आपको डेफिनेटली दिया जाएगा, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा माय डियर। मैं यहाँ पर देखूँगी आपके लिए कुछ फॉर्चून कार्ड्स, थैंक यू। आपकी परसिवरेंस, आपकी डेडिकेशन रिवॉर्डेड होगा माय डियर, थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोग आपको, आप पर बहुत ज़्यादा ना उम्मीद नहीं करेगा, एंड ये बहुत प्लस पॉइंट है, जहाँ पर उम्मीद नहीं है, उम्मीद का बोझ नहीं है, वो फ्रीली आगे बढ़ते हैं। बट हाँ आप जो करोगे और कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप और आपकी ईश्वर ही आपकी सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं फॉर्चून का, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए फॉर्चून से देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फॉर्चून, हेल्थ, एन एक्सीलेंट टाइम टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम और डाइट, मेनी न्यू फ्रेंडशिप आर ऑन द होराइजन। कार्ड तो है हेल्थ का, बट यहाँ पर योगा, कोई जिम ज्वाइन करेंगे, कोई नया एक्सरसाइज, कोई सेशन थेरापी हो, हीलिंग सेशन थेरापी, रेकी का कोर्स करना, कोई कोर्स की भी एनर्जी आ रही है, न्यू कोर्स ज्वाइन करना, बट यहाँ पर आपके लिए फ्रेंडशिप आ रही है माय डियर। वैसे मुझे वो दिखाई दे रही थी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, प्रपोजल वगैरह आना, एंड वो यूनिवर्स की तरफ से आएंगे माय डियर। चले देखते हैं मैसेजेस, मेजर लाइफ चेंज, मैं तो आपको बोल रही थी टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस, एज ए न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड ए ट्रेवल फ्री एग्जिस्टेंस। तो ये जो आपका मैसेज आया हुआ है ना माय डियर, कि आप मैदान पे टिके हो, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, वो रिवॉर्डेड होगा माय डियर, एंड बहुत बड़ी मेजर लाइफ चेंजेस होने जा रही है, कि 2 साल पहले आप जो थे, 2 साल बाद की एनर्जी बिल्कुल अलग है,
लोग देखेंगे सर खड़ा करके, मुझे वो भी एनर्जी भी आ रही है, जो लोग इज्जत आपको प्राप्त होना चाहता आप डिज़र्व करते हो नहीं करते थे, वो लोग भी करेंगे माय डियर, वो लोग वो रेस्पेक्ट देंगे, आप अपने आप को उस जगह पर उस मुकाम तक पहुँचा अपने आप को पहुँचाएंगे। चलिए देखते हैं मैसेजेस। थैंक यू। ओके एंजल से देखते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। मैं आपको पहले ही बोल रही थी आपके लाइफ में बिग सरप्राइज में बिग हैप्पी चेंजेस आ रही है। वाओ, दिस इज नंबर 29 फिग ट्री एनलाइटनिंग लव, एंड आपके लिए टू टाइम लव कार्ड आया हुआ है। एनलाइटनिंग लव कार्ड एक्चुअल में थोड़ी डिफरेंट एनर्जी होती है जो आप समझ रही है, मतलब एनलाइटनिंग लव में सेक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सेक्सुअल यूनियन का नहीं, इस लाइक ए मिस्टिकल यूनियन, डिवाइन यूनियन। एनलाइटनिंग लव एक भक्त और एक आराध्य के बीच जो संबंध होते हैं वो एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत सिद्धि, जैसे किसी को मोक्ष प्राप्ति कैसे होगा, उसकी मार्ग को प्रशस्त करना, उस मार्ग पे चलना। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर एनलाइटनिंग लव ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जिनका एनर्जी भी सेक्सुअल यूनियन की तरफ झुकाव कम होगा, सेक्रेट यूनियन, तांत्रिक यूनियन के ऊपर झुकाव मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर एक बी की भी एनर्जी आ रही है, बी स्वीट न्यूज़ लेकर आते हैं, आपकी लाइफ में एक हीलिंग आ रही है माय डियर, ऐसे पर्सन जो आपकी ऊंस को घाव को हील करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए संबंध है भक्त और आराध्य के, इष्ट के। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।